तो भाई DJI का Osmo Action 4, अब इसको माउंट करना बहुत इजी है। ये देखिए इसके साथ स्टिक आती है और ये इसका मैग्नेट एडेप्टर माउंट है, ये बहुत इजीली इस पे अटैच हो जाता है और इसकी जो पकड़ है ना वो काफी बढ़िया है। आप कैसे भी कर लीजिए, ये गिरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और अगर भाई साहब आपको इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनानी है तो वो भी काफी इजी है, आप देखिए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये प्रोटेक्टिव केस है ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको यूज करने के बाद ही आप इसमें दोनों तरह से इसको जो है यूज कर पाएंगे, इस तरह भी कर पाएंगे और इस तरह भी इसको जो है यूज कर पाएंगे। मैग्नेट काफी जबरदस्त है इसका और इस तरह भी आप यूज कर पाएंगे, इंस्टाग्राम के लिए भी कॉन्टेंट बना पाएंगे और वैसे भी आजकल शॉर्ट्स का जमाना है तो शॉर्ट्स भी आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई ये है DJI Osmo Action 4 एडवेंचर कॉम्बो का बॉक्स और यहाँ पे फ्रंट साइड में एक बड़ा सारा जो Action 4 कैमरा है हमारा उसका पिक्चर दिखाया गया है। तो चलिए कुछ यहाँ से ऐसे ओपन होता है, इसको इस तरीके से हम जो है ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन करेंगे तो अंदर भी दो बॉक्स है और क्लियर लिखा हुआ है इस बॉक्स में है कैमरा Osmo Action 4 और इसमें है एसेसरीज। तो चलिए बॉक्स को मैं बाहर निकालता हूँ, 1, 2 और अंदर भी इसके एक एक्सटेंशन रोड है जो इसके साथ हमको मिली है, इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये है हमारी एक एक्सटेंशन रोड। तो भाई एसेसरीज बॉक्स में एक हमें बैटरी केस मिलता है और यहाँ पे देखिए 3 बैटरी के इंडिकेटर है और इसके अंदर हमको मिल जाती है 3 बैटरी, क्योंकि ये एक एडवेंचर कॉम्बो है। इसके साइज़ की बात करें तो देखिए मेरे हाथ से भी छोटा है, यानी काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का है, ट्रैवल में कैरी करने के लिए काफ़ी ईजी है। और यहाँ पर एक हमको मिल जाती है चार्जिंग केबल जो कि है Type-C to Type-C और एक यहाँ पर हमको मिल जाता है ये क्लैम्प और इस क्लैम्प की मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक यहाँ पे जो स्टिक मिलती है ये 1.5 मीटर की स्टिक है, यानी कि इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हम कर पाएंगे। और एक हमको यहाँ पे एक लेंस हुड मिल जाता है, ये एक लेंस हुड शायद एक्स्ट्रा हमको मिलता है या फिर देखेंगे कि हमें एक्स्ट्रा मिलता है या फिर एक ही हमारे को मिलता है। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे पेपर वर्क मिल जाते हैं। तो भाई सेकेंड बॉक्स को भी हम यहाँ पे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें मिलता है ये तो शायद कैमरा ही है और यहाँ पे एक और प्रोटेक्टिव केस हमें मिल जाता है। तो सेकंड बॉक्स के अंदर हमें एक और ये अडेप्टर माउंट मिल जाता है, यानी कि हमें 2 अडेप्टर माउंट टोटल मिलते हैं। अगर साइज़ की बात करें तो एक थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है। इसके अलावा यहाँ पे हमको 2 स्क्रू मिल जाते हैं, 2 यहाँ पे स्क्रू है। अगर हम इसकी जो एक्सटेंशन रोड है उसको जब यूज़ करेंगे या फिर इसका प्रोटेक्टिव केस वगैरह में लगा के इसे यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी काम आएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमको एक कर्व्ड एक बेस मिल जाता है और ये एडेसिव बेस है, इसको हम कार या बाइक वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव केस मिल जाता है। इसकी क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है। और ये हमें मिल जाता है फाइनली हमारा DJI Action 4। और हाँ, एक लेंस हुड यहाँ पे इसमें ही मिल जाता है, यानी कि वो जो पहले वाला लेंस हुड था वो हमारा एक्स्ट्रा था। और यहाँ पे Action 4 की बैजिंग दी गई है, यहाँ पे आगे भी डिस्प्ले है और यहाँ पे बैक साइड में भी एक काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। और यहाँ पे अगर नीचे देखें तो यहाँ पे ये जो माउंट है ये मैग्नेटिक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैग्नेटिक माउंट है। तो यहाँ पे इसका मैग्नेट देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैग्नेटिक है, ये काफ़ी बढ़िया मुझे लगा इसके अंदर। तो यहाँ पे कैमरे को हमने प्रोटेक्टिव केस के अंदर डाल दिया है और यहाँ पे कट से आवाज़ आ जाएगी, मतलब ये सेट हो गया है। अब यहाँ से देखिए रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ बटन आपको ऊपर ही मिल जाता है और यहाँ पे साइड में पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे जो मैग्नेटिक क्लैंप है उसको आप जो है अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, आप देखिए इसको मान लो अगर मैं चाहूँ तो चाहूँ जैसे इसे यूज़ कर सकता हूँ, चाहे हॉरिजॉन्टली कर सकता हूँ चाहे वर्टिकली यूज़ कर सकता हूँ, दोनों तरफ इसके अंदर जो है माउंट मिल जाता है। तो भाई इसमें 2 डिस्प्ले है, एक सामने की तरफ है और सबसे अच्छी बात यह है कि सामने की तरफ वाली जो डिस्प्ले ना वो भी यहाँ पे टच स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टच है। 4K 120 FPS तक हम इस पर जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो बैक साइड के डिस्प्ले है यहाँ पे ये बड़ी डिस्प्ले और ये भी एक टच डिस्प्ले है, तो यहाँ पे भी आप इसको जो है इसको चाहे जैसे ऑपरेट कर सकते हो। तो दोनों तरफ डिस्प्ले, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और टच रिस्पांस की अगर बात करें तो टच रिस्पांस भी इसका काफ़ी बढ़िया है, बैक साइड में भी, और फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ भी इसका जो टच रिस्पांस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो अभी इसके स्टिक को चेक करने की बारी है। स्टिक की अगर क्वालिटी देखें तो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्टडी स्टिक है। लेकिन अब मैं इसको करता हूँ एक्सटेंड, तो यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करते हैं और ये 1.5 मीटर की स्टिक है। तो चलिए भाई इसको फुल एक्सटेंड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको कितनी दूरी से आप शूट कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी स्टिक है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी स्टिक है। और अगर मैं इसको खड़ी भी करता हूँ तो भाई साहब मुझे लगता है ये मेरे हाइट की तो होगी। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भाई साहब देखिए मेरे हाइट की है, मतलब इसके करीब लगाएं तो ये 5.25 फीट 5.5 फीट की होगी, मतलब 5 फीट के आसपास की। मान लो मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है तो 5 फीट के आसपास की ये
स्टिक है। स्टिक की लंबाई काफी बढ़िया है और अगर इसको फुल एक्सटेंड करते हैं तो भी ये पूरी स्टडी रहती है। काफी अच्छी क्वालिटी की स्टिक है जो इसके एडवेंचर कॉम्बो में इसके साथ आती है। इस कैमरे का यूजर इंटरफेस बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई एसडी कार्ड में आप कितने रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, टाइम दिखा देगा, यहाँ पे बैटरी दिखा देगा कितनी बची हुई है। इसके अलावा यहाँ से आप जो है यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपने पहले वीडियो रिकॉर्ड की हुई है वो वीडियो यहाँ पे जो है आप उसका प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर जाएं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको फोटो क्लिक करना है, वीडियो बनानी है, या फिर स्लोमो करना है, या फिर टाइम लैप्स करना है। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे फोटो क्लिक करना है तो मैं फोटो की सेटिंग कर सकता हूँ कि मुझे कौन से एस्पेक्ट रेशियो में फोटो क्लिक करना है, तो यहाँ से मैं चेंज कर लूंगा। और यहाँ पे जो काउंट डाउन है उसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ और टाइमर भी सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से फोटो की यहाँ पे हो जाती है सेटिंग। इसके अलावा यहाँ पे एक जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ता है। और ये आप वीडियो में भी कर सकते हैं, फोटो में भी आप इसको जैसे ही करेंगे ये जूम ऑप्शन आ जाएगा और ऐसे आप जूम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जूम कर सकते हैं और फोटो में ये 4x तक जूम करता है। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए अभी वाइड फोटो ले रहा है। इसके अलावा इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वाइड का ऑप्शन मिल जाता है आपको और एक स्टैंडर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा प्रो मोड पर जा सकते हैं और प्रो मोड में अपने हिसाब से आप चेंज करके सेटिंग करके फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम वीडियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वीडियो में क्लिक करता हूँ, जैसे वीडियो में क्लिक होते हैं तो जूम यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा प्रेस करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जूम यहाँ पे 2x तक ही जूम हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आप प्रो मोड पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सपोजर वगैरह सब चेक कर सकते हैं, फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, या फोटो रखना है या वाइट ब्लेंस वगैरह जो है वो आप प्रो मोड पे जाके कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजुलेशन सेट कर सकते हैं, 1080p मिल जाता है आपको, 2K मिल जाता है। इसके अलावा 2K में आपको 16:9 रेशो भी मिल जाता है और इंस्टाग्राम वाला जो होता है 4:3 वो भी मिल जाता है। 4K के अंदर भी आपको दोनों रेजोल्यूशन मिल जाते हैं। अगर FPS की बात करें तो यहाँ पे 120fps तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस वाले रेशो पे जाते हैं तो यहाँ पे 60fps आपको मिलता है। तो अगर आप YouTube का कोई वीडियो कर रहे हैं तो व्लॉग कर रहे हैं तो आप इस वाले रेशो पे करेंगे तो 120fps तक आप जो है इससे रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे तीन तरह के स्टेबलाइजेशन है, ये ऑफ हो गया, इसके बाद यहाँ पे रोक स्टडी है और यहाँ पे रोक स्टडी प्लस है, इस तरह के स्टेबलाइजेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ 1080p पे तो मेरे को यहाँ पे जो होराइजन बैलेंसिंग है उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मान लो यहाँ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K पे भी तो मुझे यहाँ पे 60fps पे अगर मुझे करना है तो यहाँ पे शायद मैं होराइजन बैलेंसिंग भी इसको सेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके के इसके ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे स्लोमो की भी सेटिंग अगर करनी है तो यहाँ पे आपको जाना है, बहुत ईजी है, बस स्लोमो पे आप इसको सेट कर दीजिए और यहाँ से आप अपना रेजुलेशन चेंज कर सकते हैं 1080p 2.7K और 4K। अगर हम 4K तक करेंगे तो यहाँ पे 4 times में हम इसको स्पीड को स्लो कर पाएंगे और 120fps पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं अगर हम 1080p पे करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 8x तक आप स्पीड स्लो कर सकते हैं और 240fps पे आप स्लोमो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप टाइम लैप्स भी बना सकते हैं, ये टाइम लैप्स आ गया और टाइम लैप्स में भी आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कैसे भी कस्टम कर सकते हैं, सनसेट, क्लाउड्स, हर तरह के यहाँ पे जो आपको हाइपर लैप्स, इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह कि आप यहाँ पे देखो इजीली इसको यूज कर सकते हैं। प्लस अगर अपन सामने वाली डिस्प्ले की बात करें तो सामने वाली डिस्प्ले भी इसकी टच है और यहाँ से भी इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ भी सब कुछ सेम वैसे ही मिल जाएगा, जैसे देखिए सब कुछ जैसे मैंने पीछे की स्क्रीन पे बताया था, सेम आप सामने से भी सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल ये इजी है, तो इसका जो यूआई है वो यूज करना बहुत ही इजी है और आप दोनों स्क्रीन से इसको जो है यूज कर सकते हैं। और अब बारी है भाई साहब इसको टेस्ट करने की, तो चलिए बहुत सारे हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना भाई पावरफुल है ये DJI का एक्शन 4 कैमरा। तो भाई ये है DJI Osmo एक्शन 4, फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30fps के अंदर। अल्ट्रा वाइड एंगल आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सके कि इसकी डायनामिक रेंज कितनी बढ़िया मुझे लग रही है फिलहाल स्क्रीन पे, क्योंकि मेरे पीछे बिल्कुल सूरज है और मैं धूप में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पीछे थोड़े पहाड़ हैं और ऊपर आकाश है ताकि आपको एक समझ में आए कि इसकी जो कलर है वो ये कैसे लेता है धूप में और इसकी रेंज कितनी है और एंगल कितना बड़ा आता है अल्ट्रा वाइड के अंदर। तो अल्ट्रा वाइड कुछ ऐसा है, अब मैं इसको स्विच करता हूँ और आपको वाइड एंगल दिखाता हूँ। तो फिलहाल आप इसका वाइड एंगल देख रहे हैं, ये एक इसका मीडियम है, इसमें तीन एंगल से आप शूट कर सकते हैं, एक अल्ट्रा वाइड है, एक है वाइड और एक है इसका स्टैंडर्ड व्यू। तो फिलहाल वाइड एंगल पे शूट कर रहा हूँ और 4K 30fps ही फिलहाल ये चल रहा है और आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी कैसी है, कलर कैसे ले रहा है, कितना ये एरिया कवर कर रहा है।
अगर मान लो मुझे किसी को दिखाना है, जैसे मान लीजिए ये अमरीक जी है मेरे को यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉग करते हुए दिखा सकता हूँ कि देखो भाई यहाँ पे ये चीज़ें, या यहाँ पे मान लो इन पेड़ों के बारे में कुछ बताना है तो मैं बता सकता हूँ कि ये देखो पेड़ है, ये फूल है, इस तरीके से मैं यहाँ पे ब्लॉग कर सकता हूँ। स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं, ऑडियो फिलहाल मैं इसी की यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि इसी से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरा से, कोई भी एक्सटर्नल माइक मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। तो चलिए अब स्विच करते हैं और 4K 30fps के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टैंडर्ड व्यू में कितना एरिया कवर करेगा। और अब यहाँ पे मैं जो शूट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ 4K 30fps में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका स्टैंडर्ड व्यू है, जिसको आप नैरो एंगल बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड व्यू बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना एरिया जो है कवर करता है। तो आप अपने हिसाब से जब भी आप ब्लॉग करें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको वाइड एंगल पे शूट करना है या फिर अल्ट्रा वाइड पे करना है या फिर ये स्टैंडर्ड व्यू वाला जो है इस पे आपको शूट करना है। बाकी तीनों में आप कलर वगैरह देख सकते हैं कि किस तरह का कलर ले रहा है, किस तरह की इसकी डायनेमिक रेंज है। बाकी जैसा मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है तो बादल वगैरह काफी अच्छे ले रहा है, क्योंकि धूप फिलहाल काफी है, मैं दोपहर में शूट कर रहा हूँ तो सूरज जस्ट मेरे पीछे सर के ऊपर है, तो उसके हिसाब से भी आप जो है देख सकते हैं। और भाई इस कैमरा से आप अच्छी फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। आप देख सकते हैं ये फोटोज मैंने इसी कैमरा से क्लिक किए, तो डायनामिक रेंज आपको काफी सही मिल जाती है, कलर्स भी काफी सही आ जाते हैं। और हाँ, कभी कभी कुछ सिचुएशन में इस कैमरे को हम फोटो क्लिक करने के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो डे में कैसी ये वीडियो रिकॉर्ड करता है उसके सैंपल आपने देख लिए। बाकी इसके अंदर आपको डीलॉग एम 10-bit कलर के ऑप्शन भी मिल जाते हैं और अपर्चर भी वाइड है 2.8, तो ये समझ लीजिए कि आप नाइट में भी अच्छी खासी इससे जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए ऐसे मेरी तरह वीडियो शूट करना है इंडोर, तो इंडोर में भी आप काफ़ी अच्छी वीडियो निकाल पाएंगे। तो अभी मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ कि भाई इसका ऑडियो कैसा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसका इंटरनल माइक है, उसी का साउंड आप सुन रहे हैं। फिलहाल हवा है काफ़ी, विंड काफ़ी है। और यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि इसके अंदर आप वायरलेस माइक भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास DJI का माइक है तो। अभी हम कोई भी DJI का वायरलेस माइक नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा अंडर वाटर शूट भी इससे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई वाटरप्रूफ केस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 18 मीटर तक इसको अंडर वाटर ले जाकर अच्छी रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। बाकी स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह के स्टेबलाइजेशन मिल जाते हैं, यानी कि एक तो आप ऑफ रख सकते हैं, एक मिल जाता है रॉक स्टडी और एक मिल जाता है रॉक स्टडी प्लस। इसके अलावा एक और होराइजन बैलेंसिंग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप स्क्रीन पर देखिए कि जब हम ऑफ कर देते हैं स्टेबलाइजेशन को तो कैसा आपको मिलता है फुटेज, रॉक स्टडी में कैसा मिलता है, रॉक स्टडी प्लस में कैसा मिलता है। एक चीज़ आपको जरूर दिख रही होगी, ऑफ जब करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा वाइड एंगल देता है, और जैसे इसमें रॉक स्टडी लगाते हैं स्टेबलाइजेशन तो थोड़ा सा क्रॉप कर देता है फुटेज को, और रॉक स्टडी प्लस में थोड़ा सा और क्रॉप कर देता है, क्योंकि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मिलता है। बाकी इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी बढ़िया है, जो आपने फुटेज में भी देख लिया है। अब इसके अंदर आपको 360 होराइजन बैलेंसिंग भी मिल जाती है, उसका मायना ये है कि भाई साहब आपने इसको ऐसे कर रखा है और आप इस तरीके से अगर इसको मूव भी करते हैं तो आपकी जो फुटेज है वो सीधी रहती है, तो ये बैलेंसिंग का भी इसमें आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी ये क्लेम करती है कि मैक्सिमम इसकी जो बैटरी है वो 2.5 घंटे चल जाती है, लेकिन जब आप इसे शूट करेंगे तो हाँ 2 घंटे का बैकअप तो ये दे देती है, तो बैटरी बैकअप भी इसका काफ़ी सही है। तो मैंने काफ़ी सारे एक्शन कैमरा पहले भी यूज़ किए हैं, लेकिन ये एक्शन कैमरा लेटेस्ट है और इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। बाकी जो इसकी फुटेज है वो काफ़ी बढ़िया आती है, क्योंकि जो इसका सेंसर है वो काफ़ी बड़ा है, 1/1.3 इंच का। बाकी फुटेजेस आपने भी देख ली, अगर आप इस कैमरे को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक करें, इसी तरह के कॉन्टेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।